नमस्कार। बघेल ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सिंधु जल संधि के बारे में, सीखेंगे भारत के नोटिस जारी करने के मायने क्या है, जानेंगे कि सिंधु जल समझौता के मुख्य प्रावधान क्या हैं। तो आइए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं और सबसे पहले शीर्षक को पढ़ लेते हैं हम लोग। आखिरकार भारत को 63 वर्षीय सिंधु जल संधि के संशोधन के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा, इसके बारे में तो आगे जानेंगे क्यों होना पड़ा। फिलहाल इस तस्वीर को समझ लेते हैं। ये जो देख रहे हैं यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हैं, यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान हैं और यह विश्व बैंक के उपाध्यक्ष इलिप महोदय हैं, विलियम इलिप महोदय। इन तीनों ने ही सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले जानेंगे संदर्भ क्या है, फिर जानेंगे सिंधु जल समझौता क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, फिर उसके मुख्य प्रावधानों को सीखेंगे और किशन गंगा और रातले परियोजना पर पाकिस्तान क्यों हठधर्मिता अपनाया हुआ है और इस विषय को लेकर भारत का मत क्या है, और अंत में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और पहले संदर्भ जान लेते हैं। 25 जनवरी को पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया, किसने किया? भारत ने किया। किसको किया? पाकिस्तान को किया। कब किया? 25 जनवरी को किया। आइए देखते हैं क्या किया। कश्मीर में किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजना, पाकिस्तान लगातार हठधर्मिता अपनाया हुआ है। किसको लेकर? भारत के कश्मीर में निर्मित किशनगंगा परियोजना और रातले परियोजना को लेकर 2007 से ही पाकिस्तान इन परियोजनाओं को बंद करने के लिए अड़ा हुआ है और निरंतर एक पक्षीय कार्यवाही भी कर रहा है। पाकिस्तान की हठधर्मिता के कारण 63 वर्षीय सिंधु जल संधि के संशोधन के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत को इसीलिए मजबूर होना पड़ा है क्योंकि पाकिस्तान रातले परियोजना और किशन परियोजना को लेकर लगातार हठधर्मिता बनाए रखा है। और भारत ने नोटिस जारी किया 25 जनवरी को और बोला कि हम इस इंडस वाटर ट्रीटी में, सिंधु जल समझौता में संशोधन चाहते हैं। भारत को मजबूर होना पड़ा है क्योंकि पाकिस्तान इस संधि के तहत जो भी विवाद है उसको लगातार एक पक्षीय कार्यवाही अंजाम दे रहा है, भारत से कोई भी बातचीत नहीं कर रहा है। तो इसीलिए भारत ने कहा है कि हम इस संधि में बदलाव चाहते हैं, तो आप हमको 90 दिन में जवाब दीजिए। तो यही संदर्भ है। आइए जानते हैं कि सिंधु जल समझौता क्या है। तो सिंधु जल समझौता क्या है? यह समझौता 1960 में संपन्न हुआ था। इस पर हस्ताक्षर करने वाले तीन व्यक्ति थे। भारत की तरफ से पंडित नेहरू ने हस्ताक्षर किया था, पाकिस्तान की तरफ से वहां के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किया था और मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले विश्व बैंक, जिसको IBRD भी कहा जाता है, के उपाध्यक्ष विलियम इलिप महोदय ने हस्ताक्षर किया था। पक्षकार कौन कौन थे? तो भारत और पाकिस्तान थे। मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाया था? तो विश्व बैंक ने। विश्व बैंक की सबसे महत्वपूर्ण संस्था IBRD है, IBRD को ही विश्व बैंक कहा जाता है। और यह समझौता किसको लेकर था? तो सिंधु नदी प्रणाली को लेकर। सिंधु नदी प्रणाली में तो कई नदी हैं, ये आप देख रहे हैं, यह सिंधु नदी का उद्गम स्रोत है। कहाँ? तो तिब्बत में भी। कहाँ? तो कैलाश रेंज में, यहीं पर कैलाश पर्वत है और यहीं पर मानसरोवर झील है। यहीं से बुखार चू हिमनद है, उसी हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है, ग्लेशियर है बुखारचू। और सिंधु नदी को तिब्बत में सिंघी खम्भाम के नाम से जाना जाता है। फिर यह नदी भारत के लद्दाख में प्रवेश कर जाता है
और भारत में प्रवेश करने के बाद यह POK चला जाता है गिलगित बाल्टिस्तान में, और फिर वहां से दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। जब यहां दक्षिण की तरफ मुड़ता है तो यहां पर एक महाखट का निर्माण करता है जिसे नंगा पर्वत गॉर्ज भी कहते हैं, और गॉर्ज को हिंदी की भाषा में महाखट कहा जाता है। गॉर्ज का मतलब होता है गहरी घाटी। जब नदी अपनी घाटी का बहुत ज़्यादा अपक्षय और अपरदन कर देती है तो घाटी गहरी हो जाती है, उसी को गॉर्ज कहा जाता है। फिर यह नदी पाकिस्तान के पंजाब होते हुए, पाकिस्तान के सिंध होते हुए, कराची के जरिए यह अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो यहाँ सिंधु नदी प्रणाली में आपको बहुत सारी नदियाँ दिख रही होंगी, जैसे सिंधु की सहायक नदी श्योक है, सिंधु की सहायक नदी गिलगित है, काबुल है, स्वात है, और यहाँ गुमल है। लेकिन इस संधि में हम लोग बात करेंगे सिंधु नदी पर, और ये जो आप देख रहे हैं झेलम नदी पर, और यह चिनाब नदी पर, और यह रावी नदी पर, ब्यास और सतलज। तो इस समझौता में सिंधु नदी प्रणाली के 6 नदियाँ शामिल हैं। कौन कौन से? तो सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। इन 6 नदियों को भारत और पाकिस्तान के लिए आवंटित किया गया था। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को जान लेते हैं हम लोग। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, रेड क्लिप महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप पर अंधाधुंध पेन चलाया और कई रेखाएं खींच दी, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान अलग हुए। तो भूमि का तो बंटवारा हुआ, भौगोलिक स्थान का तो बंटवारा हुआ, लेकिन साथ में संसाधनों का भी बंटवारा होना था। और सब संसाधनों में से एक महत्वपूर्ण संसाधन जल संसाधन है, क्योंकि उस समय भारतीय उपमहाद्वीप की मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि थी, और कृषि के लिए मुख्य इनपुट जल है। तो जल को भी लेकर विवाद था भारत और पाकिस्तान में। जब बंटवारा हो गया तो 1948 में दोनों देश सिंधु नदी प्रणाली के इन 6 नदियों में बांध बनाना चाहते थे, ताकि अपने देश में कृषकों के लिए जल की आपूर्ति अबाध रूप से बनी रहे। और बांध बनाने के लिए दोनों पहुंचे IBRD, ताकि उनको इन बांधों के लिए फाइनेंस प्राप्त हो सके, वित्त पोषण प्राप्त हो सके। लेकिन वर्ल्ड बैंक के पास जब दोनों देश गए तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम दोनों को पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि जिन परियोजनाओं के लिए आप यहाँ आए हैं वो विवाद का विषय है। तो वहाँ से बात शुरू हुई, और विश्व बैंक ने दोनों देशों से बात की, और विश्व बैंक के मध्यस्थ में ही यह संधि संपन्न हुआ, और यह संधि जाकर 1960 में संपन्न होता है। तो अभी यहाँ सीखते हैं कि इस सिंधु नदी प्रणाली में जो 6 नदियाँ हैं, सिंधु एक, झेलम 2, चिनाब 3, रावी 4, ब्यास 5 और सतलज 6, इन 6 नदियों को 2 भागों में बांट दिया गया। पाकिस्तान को जो नदियां दी गई उनको पश्चिमी नदियां कहा जाता है, और उसमें शामिल है सिंधु, झेलम और चिनाब। ये देखिए, यह वाली नदी शामिल है पाकिस्तान को जो दिया गया है, इसका नाम सिंधु है, और इसका नाम झेलम है, और इसका नाम चिनाब है, और इसको पाकिस्तान को दे दिया गया कि इनके जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा इन अपने कृषि के लिए, और इन नदियों को पश्चिमी नदी कहा गया। लेकिन यहाँ गौर करने की बात यह है कि अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए और सिंधु और सतलज को छोड़ दिया जाए, तो सिंधु नदी प्रणाली की जो 4 नदियाँ हैं उनका उद्गम स्रोत भारत में होता है। झेलम का वेरीनाग से हो रहा है, चिनाब का उद्गम स्रोत बारालाचा से है, रावी का भी स्रोत बारालाचा के पास में ही है, ब्यास नदी को आप देख रहे हैं पीर पंजाल से निकलते हुए, और यहाँ आप देखेंगे कि सतलज नदी का उद्गम स्रोत तो तिब्बत में है, लेकिन ये भी कहाँ से होकर जाती है? भारत से ही होकर जाती है। तो जब इन 3 नदियों को, झेलम को, चिनाब को और सिंधु को पाकिस्तान को दिया गया, और इन 3 नदियों को ही इस समझौता में पश्चिमी नदियां कहा गया, क्योंकि इसको पश्चिम भाग को आवंटित था, पाकिस्तान को आवंटित था। तो अभी इसके जल का उपयोग का अधिकार तो पाकिस्तान को दिया गया, लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि इन नदियों
के जल का भारत आंशिक रूप से प्रयोग कर सकता था, सीमित प्रयोग कर सकता था। पश्चिमी नदियों में भी जिसको पाकिस्तान को आवंटित किया था उसके जल का सीमित उपयोग भारत कर सकता था, लेकिन उद्योग परियोजनाओं के लिए नहीं। किन परियोजनाओं के लिए, आइए देखते हैं। गैर उपभोग परियोजनाओं के लिए, यानी कि जल विद्युत भारत बना सकता था इन नदियों के जल से, मत्स्य पालन कर सकते हैं वहाँ के स्थानीय निवासी, यातायात संचार कर सकते हैं वहाँ की स्थानीय निवासी, कृषि के लिए भी और घरेलू उपयोग के लिए भी। अगर इन नदियों के पूरे पानी को पाकिस्तान को दे दिया जाएगा या यहाँ के स्थानीय निवासियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि आप इन नदियों को, इन नदियों के पानी को, पानी का उपयोग मत करिए, तो यहाँ के लोगों के लिए तो आपदा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इस संधि के तहत जो नदी पाकिस्तान को आवंटित की गई थी उन नदियों में भी भारत को सीमित रूप से अधिकार है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि आपको प्रश्न में ऐसे ही घुमाने का प्रयास करेगा लोक सेवा आयोग। भारत को आवंटित किया गया पूर्वी नदियों को, इसमें कौन कौन सी नदी शामिल है, तो रावी नदी शामिल है, ब्यास नदी शामिल है और सतलज नदी। तो रावी नदी को, ब्यास नदी को और सतलज को पूर्वी नदी कहा गया और पूर्वी नदी पर भारत को पूर्ण अधिकार है, भारत जैसे चाहे पूर्वी नदियों का प्रयोग कर सकता है। तो इस तरीके से सिंधु जल समझौते में सिंधु नदी प्रणाली को, जिसमें 6 नदियां शामिल हैं, उसको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग था पश्चिमी नदियां जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब शामिल थे। इन नदियों के जल का उपभोग का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया, लेकिन इन नदियों के जल का सीमित उपयोग भारत कर सकता था, कृषि के लिए, घरेलू उपयोग के लिए, जल विद्युत परियोजनाओं के लिए। और जो रावी है, ब्यास है और सतलज है, इन तीनों नदियों को पूर्वी नदी कहा गया और इन नदियों को भारत को आवंटित किया गया और भारत इनका चाहे जैसा चाहे उपयोग कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खान और विश्व बैंक के उपाध्यक्ष थे विलियम इलीप साहब। कहां पर हस्ताक्षर हुआ, तो कराची में हुआ। ध्यान रखिएगा, इस तथ्य को बच्चे नजरअंदाज कर देते हैं, पंडित नेहरू भारत से पाकिस्तान गए थे इस संधि में हस्ताक्षर के लिए, लेकिन पंडित नेहरू का स्वागत उत्साहवर्धक नहीं था, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। तो सिंधु जल समझौता के बारे में जान लेने के बाद आइए चलते हैं और इसके मुख्य प्रावधानों को हम लोग सीखते हैं। तो ये देख रहे हैं, यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हैं, यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान हैं और ये विश्व बैंक के उपाध्यक्ष विलियम इलीप साहब हैं। आगे बढ़ते हैं और संधि के मुख्य प्रावधानों को जानते हैं। इस संधि में 10 वर्षीय संक्रमण अवधि का प्रावधान है। आइए जरा इस 10 वर्षीय संक्रमण अवधि को सीखते हैं। तो यहाँ पर 10 वर्षीय संक्रमण अवधि का क्या मायने हैं, आइए पहले जान लेते हैं। जब 1960 में यह संधि हस्ताक्षर हुआ तो पश्चिमी नदियाँ पाकिस्तान को दे दी गई जिस पर सीमित अधिकार भारत को था, और पूर्वी नदियाँ दे दी गई भारत को, आप चाहे जैसा उपयोग करिए ये आपके हवाले है। लेकिन पाकिस्तान की बहुत सारी कृषि भूमि ब्यास, रावी और सतलज पर भी आधारित थी जो भारत को आवंटित कर दी गई थी। अब पाकिस्तान को और भारत इन नदियों के पानी का उपयोग भारत को करना था और बहुत सारी नहर प्रणाली पाकिस्तान की इन नदियों पर आधारित थी। तो पाकिस्तान को 10 वर्ष का समय दिया गया कि आप अपनी नहर प्रणाली विकसित करिए, लेकिन पश्चिमी नदियों पर जो आपको आवंटित की गई हैं, जैसे कि झेलम हो गया, सिंधु हो गया और चिनाब हो गया। तो आपकी जो नहर प्रणाली जो इस रावी पर, इस सतलज पर और इस ब्यास पर आधारित है, इसको आप बंद करिए और कहाँ नहर बनाइए, तो सिंधु पर बनाइए, चिनाब पर बनाइए, झेलम पर बनाइए।
और जब इन नदियों पर आधारित नहर प्रणाली विकसित हो जाएगी तब भारत इनका उपयोग करना शुरू करेगा। और उस 10 वर्षीय संक्रमण अवधि में भारत ब्यास के, रावी के और सतलज के पानी को नहीं रोकेगा, क्योंकि ये पूर्वी नदियां तो भारत के हक में थी, लेकिन भारत को 10 वर्षों तक पानी की आपूर्ति पाकिस्तान को करना था। क्यों करना था? क्योंकि पाकिस्तान की अभी नहर प्रणाली झेलम, चिनाब और सिंधु पर आधारित नहीं थी, इसको 10 वर्ष में वह विकसित करना था। साथियों, इस संधि के लिए पाकिस्तान को भारत का आभार मानना चाहिए। इस संधि के लिए पाकिस्तान की मजबूरी थी, भारत की नहीं। ये नदियां तो भारत से होकर ही जाती हैं, भारत इनमें बांध बना सकता था, इनके जल का उपयोग कृषि भूमि के लिए कर सकता था, और अगर भारत इनका उपयोग करता तो पाकिस्तान में जल की कमी हो जाती और पाकिस्तान की संपूर्ण कृषि व्यवस्था इन्हीं सिंधु नदी प्रणाली के 6 नदियों पर आधारित है, भूखे मर जाते। तो भारत का आभार मानना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान बदले में क्या किया, तो हमसे युद्ध किया। खैर, बहरहाल जो भी है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 10 वर्ष की संक्रमण अवधि क्या है। इस संक्रमण अवधि में पाकिस्तान को पूर्वी नदियों के बजाय पश्चिमी नदियों में नहर प्रणाली विकसित करनी थी। इतना ही नहीं, भारत ने कुछ धनराशि भी दिया पश्चिमी नदियों पर, जो नहर बनाना था पाकिस्तान को, उसके लिए भारत ने पाकिस्तान का आर्थिक सहयोग भी किया। लगभग उस समय 83 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए गए कि आप पश्चिमी नदियों पर आधारित नहर प्रणाली को विकसित करिए, क्योंकि पूर्वी नदियों के जल का उपभोग हम करेंगे। तो भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को उचित मात्रा में जल की आपूर्ति की, उचित मात्रा में ही नहीं साथियों, इस संधि के हस्ताक्षर हो जाने से लगभग इन 6 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया। भारत को मात्र 20% मिला था, फिर भी भारत ने नहर बनाने के लिए पाकिस्तान को उस समय 83 करोड़ रुपए दिए। लेकिन पाकिस्तान के इरादे नापाक थे, 1965 में उसने हम पर हमला किया, और 1965 के हमले के बावजूद, युद्ध के बावजूद भारत ने पैसे को नहीं रोका। इन पैसों को, इस 83 करोड़ को 10 इंस्टॉलमेंट में देना था भारत को, और 1965 के बाद भी कुछ इंस्टॉलमेंट बाकी थे, लेकिन भारत ने दिया, क्योंकि यह जो संधि है यह मानवता पर आधारित है, गुडविल पर आधारित है, अच्छे उद्देश्यों पर आधारित है, और यह संधि मानवता का प्रतीक है, भारत के विरासत वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक है। भारत पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानता है, तो भला जो लोग कल हमारे अपने थे, आज उनको जल के बिना कैसे छोड़ दिया जाता। अगर भारत इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करता तो यह मानवता के विरुद्ध होता और मानवता पर हमला होता, लेकिन भारत ने मानवता को बचाने के लिए इस संधि पर हस्ताक्षर किया। 80% जल इन नदियों प्रणाली के पाकिस्तान को आवंटित किया, और नहर बनाने के लिए पश्चिमी नदियों पर आधारित पाकिस्तान को 83 करोड़ रुपए भी दिए। आइए आगे बढ़ते हैं, और इस संधि में, इंडस वाटर ट्रीटी में, स्थाई सिंधु आयोग का भी उल्लेख है, परमानेंट इंडस कमीशन का भी उल्लेख है। एक संस्था बनाई गई है ताकि लगातार बातचीत होते रहे। मामला वहीं से बिगड़ना प्रारंभ होता है जहां बातचीत बंद हो जाती है। तो जीवन में भी हमें कभी बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए, और वही सिद्धांत यहां अपनाया गया है कि एक आयोग बनाया गया है, एक कमीशन बनाया गया है, इसमें दोनों देशों द्वारा आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे, और वे आयुक्त आपस में बातचीत करेंगे इन नदी प्रणालियों से संबंधित विषयों पर। तो आइए देखते हैं इस आयोग का काम क्या होगा। इस आयोग का जो सिद्धांत है वह सहकारी प्रबंधन सिद्धांत है, यानी जो कुछ भी निर्णय लिए जाएंगे दोनों के लाभ के लिए लिए जाएंगे। कुछ ऐसा निर्णय लेना है ताकि जल का उपभोग दोनों देशों के लोग कर सके, किसी के साथ अन्याय न हो, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट करना है। दूसरी बात है कि इस आयोग
में जो आयुक्त होंगे वो सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे ताकि कोई भ्रांति ना हो, भ्रम की स्थिति ना बने, छलावा ना हो कि किस नदी में कितना जल है, हमारे देश द्वारा उस जल का कितना उपयोग किया जा रहा है, जल की गुणवत्ता कैसी है, इत्यादि चीजों को यहाँ पर इस आयोग में आकर दोनों देशों के आयुक्त शेयर करेंगे, आदान प्रदान होगा, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा। आगे इसका जो महत्वपूर्ण काम है इस आयोग का वह है विवाद निपटान का। साथियों, इस संधि में विवाद निपटान के लिए क्रमिक प्रक्रिया अपनाई गई है कि अगर किसी भी विषय को लेकर इन नदियों, ये जो छह नदी हैं, इनसे जुड़े किसी भी विषय को लेकर अगर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो सबसे पहले दोनों देशों के जो आयुक्त हैं वो इस आयोग में उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो यह जो आयोग है यह विवाद निपटान के लिए भी कार्य करेगा। आयुक्त आपस में बात करेंगे और बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं कि इस संधि में विवाद निपटान की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले कोई भी विवाद उठता है तो उसकी बातचीत स्थायी सिंधु आयोग यानी कि परमानेंट इंडस कमीशन, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसके तीन मुख्य काम हैं, तो उस तीन में से एक मुख्य काम है विवाद को निपटाना। जब यहाँ भी बात नहीं बनेगी, जब दोनों देश अड़ जाएंगे अपने अपने पक्ष को लेकर, तब जब यहाँ बात नहीं बनेगी पीआईसी में, तो वर्ल्ड बैंक जो मध्यस्थ है इस संधि में भूमिका है, जिसने भारत और पाकिस्तान को करीब लाया। साथियों, मध्यस्थ की जरूरत कहां नहीं पड़ती है जीवन में, जब शादी वादी नहीं होता है किसी लड़के लड़कियों का, वहां भी तो मध्यस्थ लाया ही जाता है, बिचौलिए तो होते ही हैं, कहां बिचौलिए नहीं है, बाजारों में बिचौलिए हैं, स्टॉक मार्केट में बिचौलिए हैं, कहां नहीं है बिचौलिए। तो यहां भी बिचौलिए का भूमिका कौन निभा रहा है, तो वर्ल्ड बैंक निभा रहा है। तो वर्ल्ड बैंक एक तटस्थ मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा, एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति करेगा, ताकि वह निर्णय स्वतंत्र रूप से ले, न तो उसका निर्णय भारत की तरफ झुका हो और न तो उसका निर्णय पाकिस्तान की तरफ झुका हो। जब बात नहीं बनती है स्थायी सिंधु आयोग में, तो विश्व बैंक फिर तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति करता है, फिर वह तटस्थ विशेषज्ञ अपना रिपोर्ट जारी करेगा स्वतंत्र रूप से, जो बात सही होगी आंकड़ों पर विश्वास करेगा, भावनाओं पर नहीं, फिर अपना रिपोर्ट जारी कर देगा। और अगर उस रिपोर्ट से भी खुश नहीं है कौन, भारत और पाकिस्तान, तब वे जा सकते हैं स्थायी मध्यस्थ न्यायालय, जा सकते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जा सकते हैं। तो ये क्रमिक व्यवस्था है विवाद निपटान के लिए। आप पीआईसी में पहले बात करिए, वहां बात नहीं बनती है तो वर्ल्ड बैंक के पास जाइए, वो तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति करेगा, और इसके निर्णय से भी आप खुश नहीं है तो आप परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जा सकते हैं। और यह बहुत ही एक अच्छी प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया है, जिसका पालन करना चाहिए, पाकिस्तान ने नहीं किया, इसीलिए आज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। और यह जो आयोग है पीआईसी, इसकी वर्ष में कम एक बैठक आवश्यक है। वैसे तो आयुक्त चाहे तो कभी बैठक कर सकते हैं, इस आयोग में जो दोनों देशों द्वारा आयुक्त नियुक्त किए गए हैं वे चाहे तो कभी भी बैठक कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में वर्ष में एक बार इनको वापस में आकर बातचीत करना ही होगा, क्योंकि बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। तो वर्ष में कम एक बार बैठक होना आवश्यक है। इस संधि के तहत 80% जल पाकिस्तान को दे दिया गया और मात्र 20% जल भारत के ले आया, और हमें यह बताता है कि यह जो संधि है पाकिस्तान के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि भारत के लिए। हमने तो मानवता के लिए इस संधि में हस्ताक्षर किया है। तो इसके मुख्य प्रावधानों को सीख लेने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किशनगंगा और रातले परियोजनाओं पर पाकिस्तान को क्या आपत्ति है। पाकिस्तान को इन परियोजनाओं के बनावट को लेकर आपत्ति है, बनावट को लेकर, इनके स्ट्रक्चर को लेकर। तो यहां पर आप देख रहे हैं के एच ई पी, एच का मतलब है हाइड्रो,
ई का मतलब है इलेक्ट्रिक और पी का मतलब है प्रोजेक्ट। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, किशन गंगा नदी पर जो झेलम की सहायक नदी है, 2007 में भारत ने इस नदी पर बांध बनाने का निर्णय लिया, जिसकी क्षमता होने वाली थी 330 मेगावाट और यहां पर 110 के 3 यूनिट लगने थे, लेकिन पाकिस्तान को इस पर आपत्ति थी, इस नदी इस बांध पर। इस बांध की ऊंचाई उस समय बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा मतलब भारत के अनुरूप थी। पाकिस्तान ने इस मसले को उठाया सिंधु स्थायी आयोग में, भारत ने मान भी लिया और उसकी ऊंचाई भी कम कर दी। इसके बावजूद पाकिस्तान लगातार आपत्ति जताता रहा और कहां पहुंच गया, वह विश्व बैंक पहुंच गया और एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए आग्रह किया। वहां से भी उसकी बात नहीं बनी, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चला गया और वहां 2013 में निर्णय आया जो भारत के पक्ष में था, और उस निर्णय में कहा गया था भारत इस पर बांध बना सकता है लेकिन पानी को रोकेगा नहीं, एक जगह बांध बनाएगा, पानी को डाइवर्ट किया जाएगा, वहां टरबाइन घूम जाएगा, बिजली बन जाएगी, पानी वापस किशनगंगा में आएगी और पाकिस्तान को जाएगी। तो जो 2013 का निर्णय था किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर, वह भारत के हित में था। कुछ इसी तरीके से रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यहाँ आर का मतलब है रातले और के का मतलब है किशन गंगा, यह 2013 में प्रस्तावित था और यह 850 मेगावाट का था। ध्यान रखिए साथियों अभी यहां पर आप कि किशन गंगा और रातले, यह जो रातले परियोजना है यह कहां चल रही है, तो चिनाब नदी पर, और किशन गंगा नदी किसकी सहायक नदी है, झेलम नदी पर, और झेलम और चिनाब तो पश्चिमी नदियों का हिस्सा है। पश्चिमी नदियों में 3 नदियां शामिल थी, एक था सिंधु, झेलम और चिनाब। इन नदियों के जल के उपभोग का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया था, लेकिन इस पर सीमित उपभोग का अधिकार भारत को भी था, जो भारत कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान को यहां आपत्ति थी। तो पाकिस्तान लगातार विश्व बैंक भी गया, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन गया। अभी क्या हुआ है, 2015 में फिर से पाकिस्तान विश्व बैंक पहुंचा, IBRD पहुंचा वो, और उसने न्यूट्रल एक्सपर्ट के अपॉइंटमेंट की बात की, तटस्थ विशेषज्ञ का, क्योंकि बात परमानेंट इंडस कमीशन में बनी नहीं, स्थायी सिंधु आयोग में दोनों देशों के आयुक्त के बीच में कोई बात नहीं बनी, और जब यहाँ बात नहीं बनती है तो विश्व बैंक द्वारा तटस्थ की एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाती है। पाकिस्तान 2015 में विश्व बैंक के पास गया और 2016 में वो कहाँ पहुँच गया, तो PCA पहुँच गया, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अब यहाँ देखिए, पाकिस्तान ने क्रमिक विवाद निपटान प्रणाली को तोड़ दिया और भारत को यही आपत्ति है। परमानेंट इंडस कमीशन के बाद हम लोगों को न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की सहायता लेनी चाहिए थी विवाद को निपटाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान डायरेक्ट कहां पहुंच गया, PCA पहुंच गया। यहां तो यह वाली प्रक्रिया तो छूट गई। भारत कह रहा है कि यह जो प्रक्रिया पाकिस्तान ने अपनाया है, यह पाकिस्तान की जो हठधर्मिता है किशन गंगा को लेकर, रातले को लेकर, अभी देखिए 2007 से चल रहा है, आज कितने साल हो गए आप ही जरा जोड़ कर देखिए, 16 साल के आसपास से हो गए, 16 साल से पाकिस्तान हठधर्मिता अपनाया हुआ है। तो एक तो मुख्य आपत्ति भारत को यही है कि आपने न्यूट्रल एक्सपर्ट को ध्यान में नहीं रखा, आपको पहले यहां से यहां आना था लेकिन आप यहां से यहां डायरेक्ट आ गए, और अभी दोनों पर कार्यवाही कर रहा है, वर्ल्ड बैंक ने न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति कर दी है और पाकिस्तान PCA भी चला गया है। तो भला एक विवाद के लिए दो जगह एक साथ कैसे सुनवाई हो सकती है। तो इस दो कारणों से भारत को इस संधि में संशोधन के लिए मजबूर होना पड़ा है। मैं आप सभी विद्यार्थियों से
एक आह्वान करता हूं कि आप लोग किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसको ध्यान से ध्यान में अवश्य रखें कि यह कौन से केंद्र शासित या राज्य में स्थित है और इनकी क्षमता क्या है और यह किस प्रकार की परियोजनाएं हैं। क्या यहां पर विद्युत थर्मल पावर प्लांट के जरिए उत्पादित किया जा रहा है या फिर हाइड्रो पावर प्लांट के जरिए? तो यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ध्यान रखेंगे। और पाकिस्तान को मुख्य आपत्ति थी इसकी बनावट को लेकर, और पाकिस्तान ने क्रमिक विवाद निपटान प्रणाली को फॉलो नहीं किया, और अभी वर्तमान में एक साथ एक तरफ न्यूट्रल एक्सपर्ट भी है और एक तरफ भारत, एक तरफ पाकिस्तान पीसीए भी चला गया है, स्थायी मध्यस्थ न्यायालय भी चला गया है जो हेग में स्थित है। पीसीए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहाँ है? तो हेग में है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जहां पर, वहीं पर पीसीए भी है जो मध्यस्थता के जरिए विवाद को सुलझाने का प्रयास करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और भारत के मत को जरा जान लेते हैं। भारत का कहना है कि पाकिस्तान लगातार हट धर्मिता अपनाया हुआ है, नहीं मान रहा है, उसकी जो समस्याएं थी उसके जो पक्ष थे हमने उसको मान भी लिया है, फिर भी लगातार विरोध जता रहा है, एक पक्षीय कार्यवाही कर रहा है, हमसे बात किए बिना वह न्यूट्रल एक्सपर्ट के लिए गया विश्व बैंक, फिर उसके बाद भी नहीं माना, जिद्दी है ना, सीधे कहाँ चला गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। पहले आप न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपना निर्णय देने दीजिए, दोनों पक्षों की बात सुनने दीजिए, फिर आप निर्णय दीजिए। लेकिन पाकिस्तान लगातार यूनिलेटरल कार्यवाही कर रहा है, एक पक्षीय कार्यवाही कर रहा है, और जब एक पक्षीय कार्यवाही होती है तो वहीं से मतभेद विवाद में बदलने लगते हैं और विवाद आपदा में परिवर्तित होने लगता है, और यही आज कुछ हो रहा है। तो एक पक्षीय कार्यवाही से सदैव हमें बचना चाहिए। और भारत ने कहा है पाकिस्तान जो कर रहा है हठधर्मिता और एक पक्षीय कार्यवाही, वह नियम के विरुद्ध है, क्योंकि नियम में तो ऐसा लिखा हुआ है कि एक क्रमिक विवाद निपटान प्रणाली है, पीएसी में बात नहीं बनेगा तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंटमेंट करेगा विश्व बैंक, वहां भी बात नहीं बनेगी, तब जाना है पीसीए में, पाकिस्तान डायरेक्ट यहां से यहां चला गया, इसको तो भूल गया, हालांकि यहां गया था एक बार लेकिन तुरंत ही वहां से वापस होकर ये कहां चला गया पीसीए। तो एक तो इसको फॉलो नहीं किया और साथ में एक ही संधि के तहत एक ही विवाद को दो जगह सुनवाई नहीं हो सकती है, यह नियम के विरुद्ध है और संधि के नियम के विरुद्ध है। तो यह भारत का पक्ष है, भारत इसीलिए कह रहा है कि हमको मजबूर होना पड़ा है और इस संधि में हम संशोधन चाहते हैं। आइए इससे जुड़े प्रश्नों को हम लोग हल कर लेते हैं। सिंधु जल संधि आयोग के लिए सही विकल्प होगा, यह संधि कराची में संपन्न हुआ था, तो जी हां कराची में ही संपन्न हुआ था, पंडित नेहरू कराची गए थे। सिंधु नदी प्रणाली को इस संधि में पश्चिमी एवं पूर्वी नदियों में बांट दिया गया है, तो जी हां पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को दी गई हैं जिसमें सिंधु झेलम चिनाब है, और पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई हैं जिसमें रावी ब्यास और सतलज हैं। तो यानी कि दोनों ही कथन सही हैं, तो यानी कि विकल्प एक सही होगा। आगे बढ़ते हैं, सिंधु जल संधि आयोग के सही उत्तर होगा, इस संधि के तहत सिंधु नदी जल प्रणाली का 80% जल पाकिस्तान के हिस्से में गया है, मात्र 20% हिस्सा भारत में आया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा मजबूरी पाकिस्तान की है, क्योंकि पाकिस्तान की संपूर्ण जो कृषि है वह सिंधु नदी पर आधारित है, सिंधु नदी या इन 6 नदियों पर ही आधारित है। अगर भारत इनके पानी को रोक दे तो पाकिस्तान में त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, इसीलिए भारत ने इस संधि को गुडविल और फ्रेंडशिप के सिद्धांत पर हस्ताक्षर किया है। लेकिन पाकिस्तान की लगातार हठधर्मिता, एक पक्षीय कार्यवाही, यह मानवता के विरुद्ध में है, इस संधि के सिद्धांतों के विरुद्ध में है। पूर्वी नदी में भारत को सीमित अधिकार है, नहीं साथियों, पूर्वी नदी में भारत को पूर्ण अधिकार है। पूर्वी नदी में तो ब्यास है, रावी है और सतलज है, यहाँ तो भारत इसका जैसा चाहे उपभोग कर सकता है। पश्चिमी नदियों में रावी शामिल है, गलत, पश्चिमी नदियों में रावी कहाँ शामिल है, सिंधु शामिल है, झेलम शामिल है
और चिनाब शामिल है। तो ये दोनों कथन क्या है, गलत है, यानी कि केवल कथन एक सही है। आगे बढ़ते हैं, सिंधु जल संधि के लिए गलत विकल्प होगा। यह संधि विश्व बैंक के मध्यस्थ में संपन्न हुआ था, तो जी हाँ, विश्व बैंक ने यहाँ मध्यस्थता की थी, और उस समय विश्व बैंक के उपाध्यक्ष ने इस संधि पर हस्ताक्षर भी किया था। नाम क्या था, तो विलियम इलिप महोदय। इस संधि पाकिस्तान में पश्चिमी नदियों में नहर प्रणाली के लिए निर्माण के लिए भारत वित्त प्रदान करने का प्रावधान था। तो जी हाँ, भारत ने 83 करोड़ दिया था, और यही तो भारत की विरासत है, और यही तो हमारा सॉफ्ट पावर है, जो हमें दुनिया में अलग नजरिए से देखा जाता है। आगे देख लेते हैं, तो यह भी कथन सही है, स्थायी सिंधु आयोग के निर्णय दोनों पक्षों को मानना होगा। नहीं, गलत है, इसके निर्णय के बावजूद हम लोग न्यूट्रल एक्सपर्ट में जा सकते हैं और उसके बाद पीसीए में जा सकते हैं। विवाद निपटान के लिए क्रमिक व्यवस्था इस संधि में की गई है। जी हाँ, पहले पीआईसी में मामला सुलझाया जाएगा, फिर यहाँ। तो यानी कथन 4 भी सही है, हमें यहाँ कह रहा था गलत विकल्प, यानी कि विकल्प 3 सही होगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।